मंडी जिला के सुंदरनगर शहर के बीच स्थित जवाहर पार्क में राज्य स्तरीय नलवाड़ और देवता मेला आयोजित होने के बाद मौके पर हाल में ही लगाई गई 25 लाख की खास बर्बाद हो गई। मेला मैदान जवाहर पार्क में जब से 25 लाख रुपए की लागत से घास बिछाने का कार्य शुरू किया गया, तब से ही लगातार इसको लेकर विवाद मचा हुआ है। जैसे ही मार्च माह में इस मैदान पर मेला आयोजित किया गया, इसके बाद इस घास को पूरी तरह से ये घास बर्बाद हो गई। मौके पर घास का पूरी तरह से नामो निशान ही मिट गया। घास की बर्बादी को लेकर अधिवक्ता आशीष शर्मा और व्यापार मंडल BBMB कॉलोनी के अध्यक्ष अश्वनी सेनी ने नगर परिषद और प्रशासन पर गंभीर आरोप जड़े हैं। बस मैं यही बोलूंगा कि यहाँ पे घास थी, ये इतिहास हो गया। 25 लाख रुपए पब्लिक फंड जो है वो प्रशासन ने डुबो दिया, जो हमारे टैक्स का पैसा है वो सारा बर्बाद हो गया। बार बार जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लोग हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये चीज़ प्रशासन को अवगत कराई थी कि ये जो घास है ये ख़राब हो जाएगी, मेले जब आएंगे ये ख़राब हो जाएगी, पर कोई भी सुनवाई उन जो लीड्स थी उन पे नहीं हुई। देखिए, ये एक तरह का प्लानिंग फेलियर है। जो पब्लिक मनी है वो प्रशासन के द्वारा डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए यूटिलाइज़ किया जाना है, और पब्लिक मनी जो आम आदमी है उससे, टैक्स से वो पब्लिक मनी आता है। सुंदरनगर जवाहर पार्क में जो घास लगाई गई है वो आज पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुकी है, और इस संबंध में हमने पूर्व में जो है एक शिकायत जो है शहरी विकास विभाग और विजिलेंस को जो है दी थी, और इस मामले की जांच की मांग की थी कि ये किसके कहने पर जो है ये घास लगाई जा रही है और किसने जो है इसकी प्रपोजल तैयार की है, क्योंकि आने वाले जो मेले थे उसमें जो ये घास बर्बाद होनी थी। तो इस संबंध में हमने शिकायत दर्ज करवाई थी, उसके ऊपर जो है विजिलेंस ने एक्शन भी लिया था और उसमें थोड़ी बहुत छानबीन हुई है। लेकिन आज जो है घास पूर्ण रूप से जो है बर्बाद हो चुकी है, और इसमें आप देख सकते हैं आज जो है कोई भी स्थान ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर जो है घास जो है सर्वाइव कर रही है। हमारे सुंदरनगर में भी एक ऐसा मैदान था यहां पे अवेलेबल था, जिसमें कि जो 1 लाख स्क्वायर फीट के एरिए के साथ ग्राउंड था, और इसमें ये सारा का सारा ग्राउंड जो था ये मिट्टी से भरा हुआ था, मीनिंग बाय कि इसमें कोई भी ग्रास नहीं था। और जब हमारा जो पोल्यूशन का जो इंडेक्स है, उस इंडेक्स में भी हमारा जो सुंदरनगर का एरिया था, उपमंडल था, वो इंडिया की मोस्ट पोल्यूटेड जो सिटीज़ थी उसमें शुमार हुआ था। तो जो NGT के नॉर्म थे कि ग्रीनरी थोड़ी सी बढ़ाई जाए और इस तरह से कुछ काम किए जाएँ, तो उसमें पूरे शहर में एक ये काफ़ी बड़ा चंक था जिसमें कि ग्रीन ग्रास लगाने का ऐसी जो MC के एक जो MC का एक प्रीव्यू था उसमें ये बात ली गई और इसमें ग्रीन ग्रास लगाई गई। नो डाउट मैं आपसे कहूँगा कि जिस तरह से मेले हुए या बारिशें हुई उससे इसको नुकसान हुआ है, परंतु ऐसा ये कोई अकेला ग्राउंड नहीं है जहाँ पर घास को ऐसा कोई नुकसान हुआ हो। इस पे लगभग मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं भी मेरे पास EO का भी चार्ज है, तो मुझे ये भी पता चला है कि उसमें लगभग 20 लाख रुपए की जो घास का कार्य था, जिसमें कि मैदान को समतल करना, उसमें घास लगाना, ये सारा कार्य जो था ये किया गया है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसी तरह के मेलों का आयोजन जिला चंबा के जो हमारा चौगान है वहाँ पे भी मिंजर का मेला उसी ग्राउंड पे होता है, बरसात में होता है, और इसी तरह से घास जो है वो ख़राब भी होती है। हम ये नहीं कह सकते कि 100% घास जो है वो ख़राब हो गई है। अब जब मेला ख़त्म होगा, उस मेला ख़त्म होने के बाद ये असेस किया जाएगा कि कितना कर लॉस इसको हुआ है और उस लॉस को किस तरह से रेप्लिंच किया जा सकता है। क्योंकि ये नुकसान जो है, मैं कहूँगा कि एक मेला लगने के कारण हुआ है, तो मेले से भी इसके मैं कहूँगा व्यय इसको रिपेयर करने के लिए बजट का प्रावधान किया गया है, और हम MC को भी इस ये पैसा जो है वो देंगे।